हमारा जो केवा काइको का जो शुगर कंट्रोल जूस है, ये दोस्तों एफडीए अप्रूव्ड है। ये सबसे बड़ा एफडीए से मान्यता प्राप्त एक प्रोडक्ट, मतलब हम इसको एकदम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा एफडीए बता रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हम कभी भी किसी का पास जाते हैं और उनको बताते हैं शुगर कंट्रोल जूस के बारे में, तो सबसे पहले हमको इसको बताना जरूरी है, बिकॉज दिस हैज बीन ऑथेंटिकेटेड बाय एफडीए। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, इसको जरूर हमको बताना चाहिए। अगला जो सामने हमारा जो आदमी बैठा रहता है, पेशेंट है, जो भी है। दूसरा जो है वो है ये पोषण सर्टिफिकेशन इसको मिले हुए हैं। मतलब ये जो हमारा शुगर कंट्रोल केवा कैको का जो शुगर कंट्रोल जूस है, ये कोशर सर्टिफाइड है। और कोशर होता है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, कोशर होता है दोस्तों एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। और ये सर्टिफिकेशन बताता है कि इसका जो गुणवत्ता है वो एकदम इंटरनेशनल लेवल का होता है, मतलब एकदम अच्छा होता है, तो कोई भी आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है ना। तो ये जो दो बताया, उसका साथ जो बताएंगे आपको वो है डब्ल्यूएचओ जीएमपी। अभी डब्ल्यूएचओ जीएमपी क्या होता है? हमारा ये केवा काइपो का जो शुगर कंट्रोल जूस है, ये केवा काइपो का ये जो जूस, ये जूस डब्ल्यूएचओ जीएमपी से भी सर्टिफाइड है, द्वारा सर्टिफाइड है। इसका मतलब क्या है? जीएमपी मतलब क्या है? जीएमपी मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। मतलब एक रूल दिया गया है गवर्नमेंट का तरफ से या ऑथेंटिकेटेड जो बॉडी है उसका तरफ से, और वही हिसाब से हम इसको प्रस्तुत करते हैं। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीड्योर है वो गुड है, तो कभी भी एक अच्छा खासा जो एक प्रोसीड्योर फॉलो करने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको जीएमपी सर्टिफिकेशन मिलता है। लेकिन दोस्तों ये हमको नोट करने का बात ये होता है कि ये डब्ल्यूएचओ जीएमपी मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस है, उनका जो दिया हुआ गाइडलाइन है, उनका ऊपर हमारा ये जो प्रोडक्ट वो खरा उतरता है। तब सोचिए दोस्तों कितना बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा ये केवा काइको शुगर कंट्रोल जूस। इसको जरूर हमको एकदम मतलब पूरा कॉन्फिडेंस का साथ हमारा सामने जो बैठे हैं उनको बताना चाहिए, और उनका हाथ में हमारा प्रोडक्ट थमाना चाहिए, और हमको अगर जरूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये सबसे पहला हमको बताना है। और दोस्तों ये है 750 ml का एक बॉटल जिसमें हमारा ये शुगर कंट्रोल जूस आता है। चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं। दोस्तों ये जो शुगर है इसका बारे में हमको जानना जरूरी होता है। मैंने पहले ही बोला डायबिटीज होता क्या है। देखिए डायबिटीज और शुगर जिसको बोला जाता है वो एक बीमारी है। वो बीमारी कैसा है? जब हमारा जो ब्लड स्ट्रीम होता है, हमारा जो ब्लड स्ट्रीम होता है ब्लड में, जब ग्लूकोज का मात्रा जितना होना चाहिए उससे अधिक हो जाता है, हमारा ब्लड में जितना ग्लूकोज का मात्रा होना चाहिए उससे जब अधिक हो जाता है तो उसे हम ब्लड शुगर का बीमारी बताते हैं। अगर ये बहुत ही ज्यादा होता है तो बीमारी बहुत ही खतरनाक हो गया है, ऐसा हम मानते हैं। और दोस्तों ये जो ब्लड का ग्लूकोज होता है ये होता क्या है? मतलब ये जब खून में ज्यादा हो जाता है तब ये तो हम बीमारी मानते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज जो होता है ब्लड में, क्या ये सही में एक बहुत ही भयंकर चीज है? एकदम नहीं दोस्तों। ये ग्लूकोज जो होता है वही हमारा शरीर में जो एनर्जी होता है उसमें कन्वर्टेड होता है, उसमें वो परिवर्तित होता है। मतलब एक आसान शब्द में मैं बताता हूं, जो भी खाना हम खाते हैं और ये खाना हमारा शरीर में जाके ऊर्जा बनते हैं, और वही ऊर्जा से हम सभी काम करते हैं। जैसे कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं,
आप सुन रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप चल रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वो किससे काम कर रहा है? ऊर्जा से। ऊर्जा आया कहां से? आपको खाना से। खाना जब ऊर्जा बनते हैं, इसका बीच में कुछ फंक्शंस होता है जो हमारा बॉडी करता है, और ये जो काम होता है खाना क्या होता है, हमारा ये जो ब्लड स्ट्रीम में वो शर्करा में कन्वर्टेड होता है, ग्लूकोज में वो कन्वर्टेड होता है। खाना क्या होता है? ग्लूकोज बन जाते हैं, और ग्लूकोज क्या बनते हैं? ग्लूकोज ऊर्जा बनते हैं। मतलब इसका तो एकदम सीधा सीधा मतलब ये होता है, अगर हमारा शरीर में, हमारा ब्लड में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हमारा ब्लड में ये ग्लूकोज आ गया, इसका मतलब तो ये होता है कि हमारा शरीर में ज्यादा ऊर्जा बन रहा है। हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही होता है, ज्यादा ग्लूकोज मतलब ज्यादा ऊर्जा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में अभी भागीदारी ले रहे हैं, अगर आप भाग रहे हैं, तो आपको ज्यादा ऊर्जा का जरूरत होता है। अगर आप कोई मतलब दूसरा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा ऊर्जा का जरूरत होता है, और ज्यादा ऊर्जा मतलब ज्यादा ग्लूकोज, तो ज्यादा ग्लूकोज आपके शरीर के लिए तो अच्छा ही होता है। तब हम इसको बीमारी क्यों बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बीमारी कैसे हो गया, इसको हम कैसे इसको बीमारी बोल रहे हैं, उसका बारे में हम जिक्र करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों? ये प्रॉब्लम ये ग्लूकोज नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा शरीर, हमारा ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसका जो मेकानिज्म है वहां कोई गड़बड़ी आ गया, और उसी से क्या हो रहा है, उसी से हमारा जो बॉडी है वो ये ग्लूकोज को ऊर्जा में, एनर्जी में कन्वर्ट करने में वो समर्थ नहीं हो रहा है, उसका एबिलिटी नहीं आ रहा है। यहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ग्लूकोज नहीं, प्रॉब्लम है हमारा शरीर का इनएबिलिटी ये ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का। ये हमको समझना है ना, ये हमको समझना है। तो हमारा शरीर में क्या प्रॉब्लम क्या है? हमारा शरीर में एक इंसुलिन बोल के, जो हमारा पेनक्रियास होता है, हमारा जो पेनक्रियास होता है वहां आइलेट्स ऑफ लैंगरस होता है, ये सब दोस्तों आप जानते हैं, वहां बीटा सेल होता है, वो बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। अभी जो इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन क्या करते हैं, ये इंसुलिन, ये जो ग्लूकोज, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, उसका काम होता है इसको ऊर्जा में कन्वर्ट करना। जब हमारा शरीर ये इंसुलिन ठीक ठाक प्रोड्यूस नहीं कर पाता, या तो ये हमारा शरीर, ये बॉडी अपना शरीर में इंसुलिन को ठीक ठाक प्रोड्यूस नहीं कर पाता, या प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन इंसुलिन काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, ये दोनों कंडीशन में हम उसको बोलते हैं शुगर, डायबिटीज बोलते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, या तो हमारा शरीर इंसुलिन को प्रोड्यूस ठीक से नहीं कर पा रहा है, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यही होता है कि दोस्तों हमारा शरीर में ग्लूकोज तो आ गया लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसी कारण हमारा ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा 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 हमारा ज्यादा से ज्यादा ये ग्लूकोज आते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायबिटीज। और डायबिटीज होता है दो तरीका का, ये हम सभी को पता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। दोस्तों आयुर्वेद में अगर हम रुक करें, आयुर्वेद में अगर हम देखें तो आयुर्वेद का मानना ये है, हमारा 20 टाइप का ऑलमोस्ट नियरली 20 टाइप का मेहो होता है, मेहो बोलते हैं उसको आयुर्वेद, और इसमें एक मेहो जिसको बोला जाता है मधुमेह, मैं उसका जिक्र बाद में कर रहा हूं, तो ये होता है शुगर, है ना। अभी अगर हमारा शरीर इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस करे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
और या तो इंसुलिन ठीक से काम करे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बीच में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको कैसे क्या करना है और क्यों लेना है, ये पहला जो मैंने बताया इसको पहले से समझने से हम आगे जाके ये क्वेश्चन ढूंढेंगे कि हमको क्यों, हम तो कुछ ना कुछ दवा ले रहे हैं फिर भी हमको क्यों, हम सभी को ये केवा काइपो सुगर कंट्रोल जूस लेना ही चाहिए, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे तब ये आसानी से हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये अगर हमारा शरीर में ज्यादा से ज्यादा, हमारा शरीर में अगर ज्यादा से ज्यादा ये मतलब ये खून में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज आ गया तो ओवर टाइम क्या होता है, हमारा ढेर सारे बीमारी हो सकता है, ये आप सभी को पता है, हमारा आंखों का बीमारी हो सकता है, हमारा हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, और पूरा बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है अलग 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 अलग, हमारा पैर में भी प्रॉब्लम आ सकता है ना, तो पूरा शरीर में कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम ला सकता है। तो दोस्तों हमको ये जानना जरूरी होता है कि टाइप वन और टाइप टू, ये जो डायबिटीज होता है ये होता क्या है। देखिए दोस्तों ये जो टाइप वन डायबिटीज होता है इसको बोला जाता है जुवेनाइल डायबिटीज, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जुवेनाइल डायबिटीज, मतलब ये एकदम छोटा जो उम्र में, एकदम छोटा उम्र में छोटा जो बच्चा रहता है उसका जो वही टाइम से ये प्रॉब्लम दिखाई देता है, इसीलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज बोला जाता है। और ये जो जुवेनाइल डायबिटीज बोला जाता है इसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है अगला पिक्चर दिखा के आपको बताएंगे उसमें होता क्या है, उसका मेकानिज्म क्या है, ये टाइप वन और टाइप टू का डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं अगला स्लाइड। अभी इसको जानते हैं इसको कारण क्या है। देखिए शुगर का कारण तो अलग अलग बताया जाता है, इसमें ढेर सारे मत भी है, लेकिन ये जो टाइप वन जो डायबिटीज होता है इसका कारण बताया जाता है, इसको कारण बताया जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अभी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून कंडीशन होता क्या है, ऑटो इम्यून तो बताया जाता है, ऑटो इम्यून होता क्या है। देखिए दोस्तों जब हमारा इम्यूनिटी जो हमको बाहरी तत्वों से बचाता है, बाहरी तत्वों से रक्षा करता है ना हमारा इम्यूनिटी, और हमारा इम्यूनिटी जब खुद को डैमेज करने में चालू हो जाता है उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून कंडीशन बता। मतलब हमारा जो इम्यूनिटी, हमारा इम्यूनिटी सोचता है कि यही प्रॉब्लम है करके वो क्या करते हैं हमारा शरीर को ही वो डैमेज करना चालू करते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज का एक एग्जाम्पल, एकदम क्लियर कट एग्जाम्पल जो होता है वो होता है टाइप वन डायबिटीज दोस्तों। और दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं पकड़ लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें भी आपको मिलेगा ये ऑटो इम्यून डिजीज का कारण से ये होता है, ठीक है। तो अभी आइए टाइप टू डायबिटीज, टाइप टू डायबिटीज क्या होता है, टाइप टू डायबिटीज, अच्छा ये जो टाइप वन हो गया इसमें क्या होता है हमारा, अच्छा वो तो बाद में बता रहे सॉरी। तो टाइप टू डायबिटीज क्या होता है, टाइप टू डायबिटीज लेकिन ये छोटा उम्र में नहीं होता है, टाइप टू डायबिटीज बड़ा उम्र में, इतना दिन तक हम लोगों का ये पता था कि ये कम से कम मतलब एल्डरली डिजीज बोला जाता है इसको, एल्डरली डिजीज एंड डिसऑर्डर जो होता है जितना लिस्ट है इसमें आता था टाइप टू डायबिटीज, इतना दिन तक इतना ही था ऐसा ही था। लेकिन आजकल दोस्तों आपको मैं हैरान होकर बोल रहा हूं कि आजकल दिखाई दे रहा है मतलब यंग एज में भी ये टाइप टू डायबिटीज दिखाई दे रहा है। अब सोचिए पहले पहले क्या होता था, पहले पहले क्या होता, मतलब 20 वर्ष पहले का बात कर रहा हूं, तब भी आपको इतना मतलब इतना छोटा उम्र में इतना टाइप टू डायबिटीज दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन आजकल ढेर सारे लोग बहुत ही छोटा उम्र में ये टाइप टू डायबिटीज का कंप्लेन लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है। और इसका कारण क्या होता है ये टाइप टू डायबिटीज, इसका कारण ये उसका कारण क्या होता है, इसका कारण है भी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग हो रहा है लेकिन उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है। चलिए हम अगला स्लाइड देखने से उसको हमको अच्छा से पता चलेगा। अब ये स्लाइड को अच्छा से देखिए दोस्तों, ये आपका बाया तरफ जिसको होलू ये जो पीला कलर का जो दिखाई दे रहा है
ये पकड़ लीजिए आपका पेनक्रियास है, लगभग ये पेनक्रियास का एक पिक्चर है। तो ये पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास कहाँ रहता है? हमारा शरीर में पीछे जो हमारा किडनी होता है उधर रहता है। तो ये पेनक्रियास जो होता है, ये पेनक्रियास करता क्या है, ये पेनक्रियास इंसुलिन को छोड़ता है। मतलब इंसुलिन बाहर से हम नहीं लेते, इंसुलिन हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है, हमारा जो बॉडी है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला मशीन है। तो वो इंसुलिन बना के छोड़ता है कहाँ, ब्लड में छोड़ता है ना। तो छोड़ने का बाद क्या होता है, वो सेल में जाते हैं। और सेल का ऊपर देखिए दोस्तों, ये दायना तरफ आप देखिए, सेल का एक पिक्चर ऐसा बना हुआ है। ये सेल का आप ऊपर देखिए पीला कलर का छोटा, उसमें लिखा है रिसेप्टर। आप एक सेल को मन ही मन, एक कोष को आप मन ही मन उसको आप सोच लीजिए, और उसका ऊपर आप सोच लीजिए एक रिसेप्टर है। ये तो पिक्चर में ऐसा दिखाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक रिसेप्टर उधर होता है। ए भाई रिसेप्टर क्या होता है दोस्तों? ये रिसेप्टर होता है, पकड़ लीजिए एक ताला, लॉक एंड की होता है ना, ये ताला है। और इंसुलिन जाके क्या काम करता है, वो रिसेप्टर से टच करने से वो सेल का जो दरवाजा है वो खोलता है। मतलब मैं आसान शब्द में बोल रहा हूं, तो ये की है इंसुलिन, इसका की होता है। तब जाके ये जो ग्लूकोज वो सेल का अंदर आता है, जब वो सेल के अंदर आता है तब उसको कन्वर्ट किया जाता है, और ग्लूकोज कन्वर्टेड होता है किसमें, एनर्जी में। अगर ये ग्लूकोज आएगा ही नहीं, अब देखिए Type 1 में पहले जो पेंक्रियास है उधर एक क्रॉस मार्क दिया हुआ है रेड कलर का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ इंसुलिन या तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, या तो इनफ प्रोड्यूस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मतलब जितना होना चाहिए इतना प्रोडक्शन इधर हो नहीं रहा है ना, ये Type 1 का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी आइए Type 2 में, Type 2 में देखिए इधर लेकिन प्रॉब्लम कुछ दूसरा है। Type 2 में इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन तो होता है Type 2 में इंसुलिन में। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो इंसुलिन जाता है सेल का पास, जाता भी है, लेकिन उधर जो प्रॉब्लम है उधर रिसेप्टर का प्रॉब्लम है, तो रेजिस्ट कर देते हैं उसको सेल का अंदर, मतलब वो जा नहीं पाते। और नहीं जाने से क्या होता है, उसका परिणाम एक ही होता है, इंसुलिन रहे या ना रहे, इंसुलिन मतलब जहां नहीं है तभी तो जो परिणाम आते हैं, अगर होके भी वो अपना काम नहीं कर पाते तो उसका परिणाम सेम होता है। मतलब इसका कारण क्या होता है, अपना जो ग्लूकोज है वो ऊर्जा में कन्वर्टेड नहीं हो रहा है, इसीलिए ग्लूकोज फिर से ब्लड में आ जाता है। आएगा कि नहीं, फिर से वो ब्लड में आ जाता है, तो ब्लड में इसका अधिक हो रहा है कंटिन्यूअसली, है ना। तो यही इसका प्रॉब्लम है, सॉरी इसका। अच्छा तो इसका इसके इससे क्या होता है, इससे खराबी क्या होता है? इससे खराबी ये होता है, ओवर टाइम अगर ये लॉन्ग टर्म ऐसा ही चलते रहे, ऐसा ही चलते रहे, मतलब बहुत दिन से एक आदमी ये डायबिटीज से पीड़ित रहे, और उनका खून में इतना ज्यादा ग्लूकोज, मतलब जितना उसका रहने का जो सामर्थ्य है उससे ज्यादा ग्लूकोज अगर भरे पड़े रहे, तो उससे क्या हो सकता है, उससे बहुत ही खतरनाक बीमारी आ सकता है दोस्तों। आप सभी को पता है शुगर से क्या नहीं होता, मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल तो होता ही है, और उससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, ये हमारा दांतों का प्रॉब्लम, नर्व का डैमेज होना, पैर का प्रॉब्लम, और ढेर सारे प्रॉब्लम भी हो सकता है दोस्तों। मतलब ये डायबिटीज से हो सकता है ना। मतलब सबसे ज्यादा हो सकता है, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा किडनी को, आप देखिएगा। इसीलिए क्या होता है, एक आदमी बहुत ही दिन से, बहुत से सेवरल इयर्स इफ ए पर्सन इज अफ्लिक्टिंग विद दिस प्रॉब्लम, तो उसका क्या होता है, उसको लास्ट में जाके किडनी
किडनी का फेलियर होता है और उसको डायलिसिस पेशेंट को देना पड़ता है, होता है ना। तो ये जो किडनी होता है उसका साथ क्या होता है, उसका साथ मैंने बताया हमको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, न्यूरोपैथी होता है, और फुट में भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, अल्सर हो जाता है, उससे क्या होता है लास्ट में जाके उसमें पैर को एम्प्यूट करना पड़ सकता है, ये सब हो सकता है। डायबिटिक जो रेटिनोपैथी मैंने जो बोला आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब हो सकता है ना। तो इसका क्या आज का डेट में इसका मतलब क्या है, इसका कितना है, तो उसका अगर हम देखें तो मैं बताऊंगा आपको। देखिए 2020 साल का एक एक ऐसा मैंने निकाला विकिपीडिया से, ये विकिपीडिया से लिया हुआ है, मैंने अभी वो जाके गूगल में सर्च किया और वहां से हम निकाला, उसमें दिखा रहा है ये कि 2020 में ये जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन होता है IDF, उनका अगर माने, उनका ये कहना है कि 463 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, पूरा दुनिया में 2020 में 463 मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, इतना लोग डायबिटीज से पीड़ित है पूरा दुनिया में। उसमें से 88 मिलियन पीपल, उसमें से 88 मिलियन पीपल आता है ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, मतलब हम जिस तरफ है एशिया का, जिस तरफ जिस साइड में हम लोग हैं, है ना, आप सोच लिए मैप को। और इसमें से आप सोचिएगा ये जो 88 मिलियन पीपल है, इसमें से 77 मिलियन पीपल जो हमारा देश का है, इंडिया का है। आप सोचिए कितना खतरनाक सिचुएशन आ गया है। और इसका जो फैलाव है वो है 8.9, मतलब 9% पकड़ लीजिए, 9% मतलब तो आप 10% मतलब कितना दूर ही है, ज्यादा नहीं है, मतलब 100 में से लगभग 10 आदमी, 9 पकड़ लीजिए, 100 में से लगभग 9 आदमी, 9 मतलब 9 पीपल आउट ऑफ 10 दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। यू सी कितना खतरनाक सिचुएशन है दोस्तों, कितना खतरनाक सिचुएशन है। तो दोस्तों इससे अगर हमको हल निकालना है, हमको क्या करना है, हमको लोगों का पास जाना है, जो भी आदमी ये डायबिटीज से पीड़ित है उनका पास जाना है, उनको बताना है भाई साहब आपका हाथ में मैं देने आया हूं केवा का शुगर कंट्रोल जूस, जो कि मैं पहले ही बताया आपको FDA अप्रूव्ड है, जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रोसेस सर्टिफाइड है, जो कि इंटरनेशनल हमारा जो WHO होता है उसका जो गाइडलाइन WHO GMP जो सर्टिफिकेशन होता है उसका, उससे भी सर्टिफाइड है। तो ये जो शुगर कंट्रोल जूस है इसका बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो ये शुगर कंट्रोल जूस में है क्या, ये शुगर कंट्रोल जूस में हम तीन चीज देखे हैं, तीन चार आपको इंग्रेडिएंट्स मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका इसका अंदर जो जो है वो है, नंबर वन इसमें है जामुन। जामुन का जो बीज होता है उसमें जंबोलाइन बोल के एक केमिकल आता है, जंबोलाइन, दैट इज कॉल्ड जंबोलाइन। हेल्थ केयर सेक्टर में तेजी से उभरता हुआ नाम कीवा इंडस्ट्रीज, ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कीवा इंडस्ट्रीज, जिन्होंने पर्सनल केयर, होम केयर, वेलनेस, ब्यूटी, फूड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर जैसी कैटेगरीज में 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। इन प्रोडक्ट्स में शामिल है सप्लीमेंट कैप्सूल्स, पाउडर, जूसेस, ड्रॉप्स, हेयर केयर शैम्पू, ऑयल, क्रीम, ओरल केयर प्रोडक्ट्स, खेती में काम आने वाले उत्पाद, पशुओं के लिए प्रोडक्ट्स और ढेर सारे कई उपयोगी उत्पाद। खास बात ये भी है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हर्बल यानी आयुर्वेदिक हैं, जिनमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल्स का उपयोग नहीं किया गया है।
कीवा इंडस्ट्रीज एक वैध कंपनी है जो भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग मानकों का पूरी तरह से पालन करती है। कीवा इंडस्ट्रीज को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे सर्टिफिकेट्स और पुरस्कारों से नवाजा गया है। कीवा इंडस्ट्रीज एक ऐसा नाम जिन्होंने करोड़ों लोगों को अपने साथ जुड़ने का मौका दिया है, तो आइए आप भी इस भरोसेमंद ब्रांड का हिस्सा बनिए। कीवा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़िए।